हाय और जय मसीह की सबको। क्यों ना हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। हम पांचवें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। पंद्रहवें पद तक हमने पिछले शिक्षा में पढ़ा था और मुझे उम्मीद है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। याद रखो प्रभु यीशु ने क्या कहा, हेरोदेस और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। ऐसे कर्मों से, इन बातों से अपने आप को सुरक्षित रखो कि आप अपने कामों से दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश ना करो, वरन पवित्र आत्मा को प्रसन्न करो। पवित्र आत्मा के लिए जियो, उसके प्रति अपनी इच्छा को प्रकट करो। और आज हम जब 16वें पद से आरंभ करते हैं, हम इसी के बारे में सीखेंगे कि सही मायने में पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन क्या होता है। तो पांचवा अध्याय उसका 16वां पद, यहां लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। इन पदों से पौलुस हमें यह सिखा रहा है, अगर मैं कहूं कि मैं आत्मा के अनुसार चलाए चलता हूं, इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण लेते हैं। मान लो सीढ़ियों पे एक बच्चा चढ़ता है और आप उसको सिखा रहे हो, क्योंकि वो छोटा है, रेलिंग को पकड़कर ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना, ताकि वो सहारे को लेकर सीढ़ी के ऊपर चढ़े नीचे आए। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का यही अर्थ है कि जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन शैली या जीवन निर्वाह करते हैं अपना, मैं उस रेलिंग को पकड़े रहूं हर उतार में, हर चढ़ाव में। पवित्र आत्मा के चलाए चलने का मतलब ही यह है कि मेरा एक हाथ हमेशा उस रेलिंग पर है जो कि पवित्र आत्मा है, और मैं उसके सहारे चल रहा हूं। एक ऐसा जीवन जो बार बार कहे, प्रभु मुझसे नहीं होगा, मुझे तेरी सहायता चाहिए, मैं क्या करूं, तू क्या कर रहा है। एक ऐसी वार्तालाप जो अंदरूनी भाग में आपके चल रही है दिन भर, कि मानो आप समय ढूंढ नहीं रहे कि अरे मेरे पास इतना काम है, मैं कब प्रार्थना करूंगा। एक ऐसा जीवन कि आप हमेशा पवित्र आत्मा के साथ वार्तालाप कर रहे हो। जब हम स्वयं इच्छा से पवित्र आत्मा की सामर्थ के अधीन हो जाते हैं, हम उसको कार्य करने देते हैं अपने भीतर। पर हमारा स्वयं केंद्रित जीवन क्या करता है, अपनी इच्छाओं को सामने लाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करने का मन हो रहा है, मुझे ये देखने का मन कर रहा है, मुझे ये नशा करने का मन कर रहा है। ये क्या है? स्वयं केंद्रित जीवन। ये पवित्र आत्मा के कार्य को रोकता है, और यही पौलुस कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में चलते हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे चलाए चलते हैं? मैंने बोला उस रेलिंग का उदाहरण हमेशा अपनी कल्पनाओं में रखो, दिनचर्या जीवन में हर एक कदम उस रेलिंग को पकड़े रहो, आगे बढ़ो, उसका सहारा लो हर बात में, हर विषय में। तब क्या होगा? हम पिता के हृदय के अनुसार जीने लगते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कुरिन्थियों में कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की अंदरूनी गहरी गूढ़ बातों को वो छानता है, खोजता है और हमको प्रकट करता है, उन मार्गों में हमें चलाता है। सिर्फ पवित्र आत्मा है जो पिता के हृदय को पहचानता है और हमारे जीवन में प्रकट करता है। तो जब मैं उसका सहारा लेता हूं, मैं उस रेलिंग को पकड़े रहता हूं, थामे रहता हूं, वो मुझे पिता के हृदय के अनुसार चलाता है। पर जब हमारा ध्यान अपने आप पर हो जाता है, हम खुद को प्रसन्न करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छाओं, और ये स्वयं केंद्रित जीवन हमें ईश्वरीय सुख से वंचित रखता है। आइए हम 19वां पद देखें। लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, और जैसा पहले कह भी चुका हूं, पौलुस कहता है कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे।
पौलुस कह रहा है ये जो स्वयं केंद्रित जीवन की इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो साफ दिखती हैं, प्रकट होती हैं। व्यभिचार, गंदे विचार, बुरे विचार, गंदी सोच, गंदे पिक्चरों को देखना, गंदी चीजों की कल्पना करना, गंदे नशे करना, ये क्या हो रहा है? हम अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को पूरी कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सारा ध्यान हमारे ऊपर है कि मुझे जो चाहिए मुझे वो करना है। जब दूसरे आशीषित होते हैं तो जलन करना, दूसरों के साथ अच्छा हो रहा है तो जलन करना, लीला क्रीड़ा, अपनी राय से प्रीति रखना, हमेशा अपनी राय सामने रखना, दूसरों की सुनना नहीं, दूसरों को नीचा करना अपनी उपस्थिति में, दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना। हम सोचते हैं कि बस गंदी सोच, गंदा नशा, ये नहीं, बहुत कुछ है स्वयं केंद्रित जीवन में, बहुत कुछ आता है। छोटी छोटी बातें, जलन कर बैठना जब हमारे परिवार का कोई अंग आशीषित हो रहा है, अगर उन पर कृपा दृष्टि हो रही है प्रभु की, जलन कर बैठना, ये भी स्वयं केंद्रित जीवन का नतीजा है। और पौलुस कह रहा है अगर मैं ईश्वरीय स्वतंत्रता, ये आजादी जो प्रभु यीशु ने मुझे दी है, इन विषयों को पूरी करने के लिए उपयोग करूंगा तो मैं उसके राज्य का वारिस नहीं हूं, क्योंकि मैं भूल गया कि मैं गुलाम नहीं हूं इन विषयों का, मैं सेवक नहीं हूं, मैं एक संतान हूं, मैं पुत्र हूं, मैं राजा हूं। और अपनी ईश्वरीय आजादी का उपयोग करो बुद्धिमानी से। कैसे कर सकते हैं? उस रेलिंग के बारे में सोचो जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, पवित्र आत्मा के सहारे से चलो, वो तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाए, क्योंकि वो ही है जो पिता के हृदय की बातों को खोजता है और हमारी जीवन में प्रकट करता है, हमें चलाता है, क्योंकि हमारी सारी इच्छा यही है कि तू क्या सोचता है, तू क्या कर रहा है, और हम वो पूरा करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में सोचें। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना ये बहुत आधुनिक नहीं है या बहुत कठिन नहीं है, बस समर्पण का जीवन है, हर वक्त हर समय। थैंक यू।